today we are going to start another chapter and the chapter is chapter 12 right and uh, we have already done two chapters from class 12 and this is the third chapter. So chapter name is biotechnology principle and processes okay. So it's a very interesting chapter in this chapter basically we are dealing with the biotechnology statements life mein biotechnology ki changes are how the biology field has evolved right. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एंड स्पेशली फॉर द टर्म ऑफ बायोलॉजी राइट कि हम बायोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ कैन वी डील विद दीज फिलोसफी थिंग्स तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली टर्मिनोलॉजी जो दी हुई है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी दैट विच मीन्स वॉट एक्चुअली यू अंडरस्टैंड बाय बायोटेक्नोलॉजी ओके द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंस मेजड बाय लिविंग ऑर्गेनम टू मे प्रोडक्ट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन काइंड सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कोई सब्सटेंस बनाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई सब्सटेंस बनाते हैं और ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट जो सब्सटेंस हम बनाते हैं वो हमारे मैनकाइंड वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी राइट सो देयर इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन दैट यू कैन नेम एज यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी राइट सो दिस यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवेन अ डेफिनेशन फॉर वॉट फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम कैसे डील करते हैं दैट वी कैन डील इफ इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मॉलिकुलर एनगोलॉगस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेस तो जो हमारी बायो सॉरी एरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या डेफिनेशन दी है कि जो इंट्रीग्रेशन होता है इंट्रीग्रेशन मींस कि जो इंट्रैक्शन होता है किसका नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का ठीक है फिर उनसे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैनकाइंड को प्रोवाइड की जाती हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी हमें नई टर्मिनोलॉजीज एंड थिंग्स जानने को होंगी क्योंकि अभी तक आपने क्लास टेंथ में इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में जो भी पढ़ा है बायो में दैट इज़ नॉट समेयर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी सो क्लास वाइज भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आगे आप ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे कोर्सेज़ और फील्ड्स परस्यू करने की कोशिश करोगी ये बेसिक ऑन द सब्जेक्ट यू हैव हाँ टेकन राइट सो so, इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है सीबीएसई के थ्रू क्योंकि ये चैप्टर आपको एक इंट्रैक्शन देगा किससे बायोटेक्नोलॉजी के जिससे आपको आगे के आप जो कोर्सेज परसी करना चाहते हो उसमें हेल्पफुल मीन्स का एक सोर्स बनेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो दी है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के तो बेसिकली देर आर टू काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स ओके पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है द टेक्निको अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इट इंटू ऑर्गेनिजम टू चेंज फिनो टाइप फिनो टाइप का मतलब आपको पता ही है क्या होता है फिजिकल अपेयरेंस ठीक तो यहाँ पर ऐसी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो ऐसी टेक्निक होती है बेसिकली कि जिससे हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए इनका चेंज होता है इनमें अल्टरेशन मीन्स क्या होता है चेंज ठीक है तो इनमें जब चेंज होता है डीएनए एंड आरएनए में और यही जो डीएनए एंड आरएनए अल्टर एल्टर होकर प्रोड्यूस होते हैं उनको अगर ऑर्गेनिज्म में एंटर करवाया जाता है ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है तो उनसे क्या होता है कि उनके फिनोटाइप यानी कि फ़िज़िकल अपेयरेंस में एज़ वेल एज केमिकल अपेयरेंस में दोनों ही चीज़ों में चेंज चीज़ आता है तो फिज़िकली एंड केमिकली चेंज होने का रीज़न यही होता है कि हमारे डीएनए एंड आरएनए में कुछ अल्टरेशन हुआ है और इसी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को हम क्या कह लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इससे क्या हमारे हेल्पफुल होती है इससे हेल्पफुल हमें यह होता है कि हम आगे हमारे ऐसी बहुत सारी म्यूटेशन की वजह से डिजीज डेवलप होती हैं जो कि हमारी आने वाली ऑर्गेनिज़म की जनरेशन में अफेक्टफुल होती हैं वो हार्मफुल इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि पॉजिटिव म्यूटेशन देखना बहुत ही कम होता है नेगेटिव टाइप ऑफ म्यूटेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है राइट इसका परसेंटेज हाई होता है तो रही बात कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं कि डी एंड आर एन में चेंज ला सकते हैं ठीक और इसी डी एंड आर एन की वजह से हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की पूरी जनरेशन को बचा सकते हैं इस नेगेटिव वाले म्यूटेशन से अफेक्ट होने के लिए राइट सो दैट इज ऑल जो कि हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें हेल्प करती है अब हमने बात की थी केमिकल इंजीनियरिंग की राइट सो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है uh, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ द यूज़ ऑफ कंटीमिनेशन फ्री केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी टू ऑप्टेन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स लाइक एंजाइम, एंटीबायोटिक मेडिसिन वैक्सीन्स एक्सेट्रा ओके सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद गुड इमेजिनेशन जस्ट से दैट की केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है कि जब हम केमिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम किसी भी माइक्रोब को डेवलप कर सकें या उसका अंदर की जो पॉजिटिव जीन है उसको हम दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सके तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है कि जब हम किसी दो ऑर्गेनिज़म्स हैं एक ऑर्गेनिज्म और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशन डेवलप करवाते हैं और इसी रिलेशन की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर कुछ इस और इस की कुछ चीज़ें इस ऑर्गेनिज्म में चली जाती हैं और इस ऑर्गेनिज्म की कुछ चीज़ें इसमें आ जाती हैं और इसी साइकिल ऑफ चेंज की वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें हो सकता है कि एंजाइम वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए इसमें हो सकता है कोविड नाइन्टीन वाट कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं यस कोविड नाइन्टीन आपने देखा कि कोविड नाइन्टीन लास्ट टू ईयर से यहाँ पर चल रहा है राय सो कोविड के लिए क्या हुआ कि पहले तो इसने बहुत तरीके से हमें बहुत बैडली इफ़ेक्ट किया फिर कोविड नाइन्टीन के लिए डब्ल्यू एच ओ ने क्या किया कि कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की ठीक है मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की उन्होंने कहा कि अगर आप इन सब मेडिसिन को परस्यू करते हो इन सब मेडिसिन को लेते हो तो ये मेडिसिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी फिर क्या हुआ कि कुछ साल तक ये मेडिसिन हमने कुछ साल तक क्या कुछ महीनों तक इन मेडिसिन को हमने लिया राइट बहुत सारी विटामिनस की मेडिसिन बोली जा रही थी मिनरल्स बोली जा रही थी तो ये सब चीज़ें यूज़ हुई उसके बाद क्या हुआ हुआसन्स लेने के बाद क्या हुआ कि मेडिसिन ये जो हमारे डब्ल्यू एच ओ ने हमें प्रिस्क्राइब की थी आफ्टर दो मेडिसिन हमें वैक्सीनेशन के लिए प्रयोग किया गया ठीक है सो तो ये मेडिसिनस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आप उस टाइम आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि आप इन मेडिसिनस के अलावा कोई चीज़ परस्यू कर सकें तो मेडिसिनस के बाद आई वैक्सीन्स राइट वैक्सीन्स कैसे आई वैक्सीन ये आई किस प्रोसेस के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी ठीक है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक के थ्रू आई क्या किया गया कि जो लोग कोविड से सफर कर रहे थे उनके बॉडी सेल्स को लेकर चेंजेस किए गए और फ्री मेडिसिन से ये वैक्सीन बनाई गई कि यानी कि ये जो कोविड का वायरस था उसके लिए एक पर्टिकुलर हमारी वैक्सीन बनाई गई बट अभी के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये कोविड इवॉल्व हो गया है चेंज आ गया है इसमें और ये बन गया है ओमिक्रोन क्या बन गया है ओमिक्रोन बन गया है तो ये ओमिक्रोन क्या कर रहा है ये जो हमारी कोविड वैक्सीन थी उसको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है ठीक ये ओमिक्रोन उस वैक्सीन के रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये क्या कर रहा है कि ये वैक्सीन लेने वालों को भी हो जा रहा है तो ये ओमिक्रोम किस लिए हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा कि केमिकल इंजीनियरिंग और हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि इस ओमिक्रोन के लिए भी एक वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं राइट सो so ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिससे कि आप समझ सकते हो कि कैसे आपकी जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती हैं दोनों प्रोसेस में ठीक तो नाउ आई थिंक कि ये आपको प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे जैसे आपको नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में राइट सो वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू देम टू ओके